आज ये सिमरिया थाना अंतर्गत सिमरिया गांव का कुम्हरा गांव की घटना है, जिसमें एक ओबीसी परिवार सेन परिवार के साथ में घटना हुई है और जो कि चुनावी कारण बताया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो कि रिपोर्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन ये कई दिनों से कार्रवाई नहीं, तो आज हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ खासकर कि ओबीसी पर किसी प्रकार घटना किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं की जाए। चुनावी साल अपने जगह है, चुनाव अपने जगह है, लेकिन इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार कानूनी व्यवस्था बरकरार रहे और ओबीसी किसी प्रकार की घटना इस तरह नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, उनको तत्काल आश्वासन दिया है कार्रवाई करने की बात कही। ये जो घटना को अंजाम दिए हैं वो किसी पार्टी से जुड़े, ये जो बताया जा रहा है कोई कांग्रेस समर्थी अभय मिश्रा का नाम आ रहा है, लेकिन हम इसमें ये नहीं चाहते कि चुनाव क्या है कैसे क्या है, लेकिन कहने का मतलब ये चीज़ लोकतंत्र में प्रजातंत्र में ये घटना नहीं होनी चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चुनाव लोकतंत्र है, तो आदमी स्वतंत्र है, जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है, लेकिन इस तरह कृत्य नहीं होना चाहिए। और जो भी लोग नेता चुनाव लड़े हैं इसमें अपने समर्थकों को खासकर कंट्रोल में रखें। और ये चेतावनी हम ओबीसी महासभा देना चाहता है कि अगर हम किसी की बात कर दें, इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। और ये पूरे खासकर रीवा में, क्योंकि सबसे अधिक SC ST ओबीसी पर अत्याचार होता है, चुनावी साल है तो लोगों को खासकर वोट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो और ऐसा करने वालों के साथ चेतावनी भी है कि दोबारा इस तरह भविष्य में घटना ना हो, नहीं तो वरना उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे और सिमरिया को भी जाम करने का काम करेंगे।